ग्रे मैटर बेंटन का बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट एलियन है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी ग्रे मैटर से रिलेटेड कुछ ऑसम से फैक्ट जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड हाँ गाइज, आज की जो हमारी ये वीडियो है इसका व्यूज टारगेट है 500 व्यूज का एंड लाइक टारगेट है 15 लाइक्स का। दोनों ही टारगेट बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। उम्मीद है कि आप इन दोनों टारगेट्स को कंप्लीट करवा दीजिएगा, क्योंकि आप सब मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, अब बिना किसी और टाइम वेस्ट किए इस ऑसम सी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ग्रे मैटर का लुक बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है एक ह्यूमनॉइड फ्रॉग से। बहुत से बेंटन फैंस को ये लगता है कि ग्रे मैटर बेंटन का सबसे स्मॉलेस्ट एलियन है, पर ऐसा नहीं है। ग्रे मैटर से भी स्मॉल है नैनोमैक। इसका मतलब ये है कि नैनोमैक बेंटन का सबसे स्मॉलेस्ट एलियन है। ग्रे मैटर की हाइट है कुल 6 इंचेस, आपके फोन जितनी। पता नहीं ग्रे मैटर पर किसी का फोन गिर जाए तो ग्रे मैटर का क्या होगा। ग्रे मैटर बेंटन का फर्स्ट एलियन डीएनए है, जिसे ओमनीट्रिक्स में इंस्टॉल किया गया था। मेरा मतलब ये है कि ग्रे मैटर का ही डीएनए सबसे पहली बार ओमनीट्रिक्स में इंस्टॉल किया गया था। और हाँ, ओमनीट्रिक्स में एजमट ने खुद का डीएनए नहीं डाला था, ओमनीट्रिक्स में किसी और गैल्विन का डीएनए है। और ऐसा एजमट ने इसलिए किया था क्योंकि एजमट नहीं चाहता था कि उसके जितना कोई और इंटेलिजेंट गैल्विन हो। ग्रे मैटर और रैथ बेंटन के ऐसे एलियंस हैं जिसमें बेन सबसे ज़्यादा देर तक ट्रांसफॉर्म रहा था। वैसे भी ग्रे मैटर पहला ऐसा एलियन था जिसमें बेन सबसे ज़्यादा देर तक ट्रांसफॉर्म रहा था, और वो एपिसोड हमें बेंटन क्लासिक सीरीज में देखने को मिला था, और रैथ वाला एपिसोड बेंटन एलियन फोर्स में। ग्रे मैटर, जूरी रिग एंड फीडबैक बेंटन के ऐसे एलियंस हैं जिन पे खुद का एक थीम सॉन्ग है, और किसी भी बेंटन एलियन के पास खुद का थीम सॉन्ग नहीं है। ग्रे मैटर डेरिक जे वाइट का फेवरेट ओमनीट्रिक्स एलियन है, और डेरिक जे वाइट ने यह भी कहा था कि ग्रे मैटर बेंटन का सबसे स्मार्ट एलियन है। जो ओमनीवर्स का थीम सॉन्ग था वहाँ पर 11 इयर्स ओल्ड वाले ग्रे मैटर की जगह बाद में रिप्लेस किया गया 11 इयर्स ओल्ड वाले रिप जॉज को। बेंटन ओमनीवर्स के फ्लैशबैक में 11 इयर्स ओल्ड वाला ग्रे मैटर दिखाया गया था। उसे लेकर भी कोई ऐसा प्लान था नहीं कि ग्रे मैटर को ओमनीवर्स के फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा। शायद कभी आपने नोटिस किया हो कि जो ग्रे मैटर है उसकी वॉइस काफ़ी एपिसोड्स में चेंज हुई है। ग्रे मैटर जब हमें क्लासिक सीरीज में फर्स्ट टाइम दिखाया गया था तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई पिच्ड वॉइस में बात करता था, और ग्वेंटन वाले एपिसोड में ग्रे मैटर की वॉइस फीमेलिन टच में थी, और फिर ओमनीवर्स में ग्रे मैटर काफ़ी ज़्यादा डीप वॉइस में बात करता हुआ नज़र आया। ओमनीवर्स वाले ग्रे मैटर का लुक डिजाइन किया है डेरिक जे वाइट ने। बेन 23 वाले ग्रे मैटर का नाम है ब्रेन फ्रॉग, जो कि इसके इंटेलेक्ट और अपीयरेंस को रेफर किया गया है, क्योंकि ग्रे मैटर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और दिखने में ग्रे मैटर एक ह्यूमनॉइड फ्रॉग जैसा है, और इस वजह से बेन 23 के ग्रे मैटर का नाम ब्रेन फ्रॉग है। ग्रे मैटर इंस्पायर है एरिया 51 में दिखाए गए ग्रे एलियन से, और इसका फर्स्ट लुक डिज़ाइन किया था स्टीवी गॉर्डन ने, पर जो डिज़ाइन स्टीवी गॉर्डन ने बनाया था उसे अप्रूवल नहीं मिल पाया क्योंकि वो डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा डरावना था। पर इसके बाद उसी डिज़ाइन पर डेविक जॉनसन ने फिर से काम किया, और उस डिज़ाइन को उन्होंने फ्रॉग स्टाइल में बनाया जिससे अप्रूवल मिल गया, और वो डिज़ाइन हमें ग्रे मैटर के रूप में दिखाया गया बेंटन एनिमेशन सीरीज में। तो गाइज, यही थे ग्रे मैटर से रिलेटेड कुछ ऑसम से फैक्ट्स। आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ गाइज, अब ओमनीट्रिक्स पहन कर अपने फेवरेट एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आज के हमारे व्यूज़ एंड लाइक टारगेट को कम्प्लीट कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।